जी 14 वर्ष की आयु से कुसंग के कारण, गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्त मैथुन किया, वह अब बिना इस क्रिया को किए बगैर पेशाब के रास्ते धातु वीर निकलता रहता है, जिस कारण जीव हर बच्चा अभ्यास और आत्महत्या करने का मन होता है, हाँ, जैसे आप कहते हैं। बिल्कुल, ये बातें तो हम चीख चीख के पहले से बोल रहे हैं, जबकि हम तो भगवत मार्ग के पथिक की इस गंदी वार्ता को क्यों हम सुने, क्यों बोले, पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्त मैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। बच्चा सारा खेल उसी का है, जब वीर है वो बल है, वो क्षीण हो गया तो मतलब, हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा, आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो, जिसने मृत्यु का वरण कर लिया तो मतलब सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई। अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ी भी सामर्थ्य है तो सुबह सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठो, इसके साथ अब राधा नाम जप करो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेन्द्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही दूसरा कोई बल नहीं है। अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है, हमारी बात मान लो, राधा 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 राधा, और थोड़ा डॉक्टर से ऐसी औषधि लो जिससे वीर पुष्ट हो। कई प्रकार के ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो वीर को पुष्ट करती हैं, और अगर वो थोड़ा वीर पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से और थोड़ी देर सत्संग सुने नाम जप करें तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। आप गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। हाँ बिल्कुल, तो अब तुम धीरे धीरे ठीक हो, बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, तो जीवन बचाने की बात सोचो, पढ़ाई और लिखाई तो आप सोचो, पहले वो स्वस्थ हो, अब उसका जीना पहले ठीक हो, पहले जीवन उसका, आप तो आप देख रहे हो ना, अगर ज्यादा विक्षिप्तता पहुंच जाएगी तो ना वो आपके संभाले संभलेगा ना किसी के संभाले संभलेगा। जरूरी थोड़ी कि पढ़े लिख करके वो इंजीनियर बने, अगर आपके पास अर्थ आ जाएगा आप छोटी सी दुकान खोल देंगे, जीवन जीना सीख जाएगा, कम से कम जीना तो सीख जाए, तो अभी तो स्थिति उसको संभालने की है। मेरी बात याद कर लो, तुम हमारे सामने आ गए हो, हमने कहा तुम राधा जपो, वृंदावन आ गए हो, बीच में तो हमारी भी किडनी फेल, बच्चा दोनों किडनी फेल है, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, डायलिसिस होगा, क्या क्या हालतें होती है तुम्हें अब उसके विषय में क्या बताएं, लेकिन देखो आपके सामने हम ऐसे बैठे क्योंकि नाम है हमारी, श्री जी है ठाकुर जी, अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, नहीं तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। लेकिन आपको कष्ट का लग रहा है, कहीं कष्ट आपको झलक रहा है कि हम डिप्रेशन में, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, बस एक वो लाडली जू के चरणों का भरोसा, इसलिए ऐसा नाम जप करोगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य बच्चा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पर लॉन्ग समय, लंबे समय तक उबना नहीं, नहीं। और जब आपको समय मिले तो 2-4 बार आओ, यहाँ का वायुमंडल आपको पवित्र करेगा, ये धाम है संतों का समागम, श्री जी का नाम कीर्तन यश होता है, जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत आप उब रहे हैं तो फिर चले आइए। देखो मतलब थोड़ा सा एक कड़वी बात है, जब हम अधर्म जानते हुए धन स्वीकार करते हैं तो वो हमको ऐसे कष्ट देता है जिसका हम निराकरण नहीं कर सकते, इसलिए धर्म से नमक रोटी खाओगे तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, तुम्हें सुख मिलेगा, और कहीं अगर हमसे अधर्म आचरण हो गया तो फिर हमको हमारे ऐसी जगह चोट पहुंचाई जाएगी, हम तो सह सकते हैं हमें मारो, लेकिन हमारी ऐसी कोमल जगह मारा जाएगा, जैसे बच्चा अब इसकी पीड़ा देखकर तुम चाहे जितना प्रसन्न हो, जब घर आओगे तो आपका हृदय जल जाएगा कि यार किसके लिए करूं, किसके लिए करूं, मेरा जीवन क्या है, कोई ना कोई कर्म ऐसा जो हमें जैसे आज हम बाबा जी
भगवत मार्ग के पथ ही, लेकिन पूर्व में कोई कर्म बिगड़ा, कोई गलती ऐसी हुई भयानक जिसका दंड मिल रहा है। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि हमें उनके उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा।